टीना डाबी अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में है। वहीं आईएएस अतहर आमिर खान अपने लुक्स की वजह से चर्चा में है। लोग इन्हें इंडिया का सबसे हैंडसम आईएएस अफसर बता रहे हैं और कुछ लोग उन्हें जल्दी शादी करने की सलाह भी दे रहे हैं। यूपीएससी टॉपर और आईएएस टीना डाबी अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में है। टीना डाबी और प्रदीप गवांडे इंस्टाग्राम पर लगातार प्यार में डूबी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। लोग दोनों को बधाइयां भी दे रहे हैं। वहीं टीना के पूर्व पति और आईएएस अतहर आमिर खान भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। आईएएस अतहर आमिर खान भी इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है और पर्सनल अकाउंट से अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। पहले कश्मीरी आईएएस अतहर आमिर खान ने अपनी शानदार तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिस पर उनके फैंस ने उन्हें इंडिया का सबसे हैंडसम आईएएस ऑफिसर बताया है। अतहर साल 2015 के यूपीएससी एग्जाम के सेकंड टॉपर रहे हैं। वह एक आईआईटीन भी है। फिलहाल वह श्रीनगर में पोस्टेड है। अतहर श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ है। वो अपने लुक्स को लेकर कई बार चर्चा में रहे हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर लगभग 5,70,000 लोग फॉलो करते हैं। कश्मीर के रहने वाले अतहर आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड की है, जिसमें वे श्रीनगर के नागिन झील के पास सनसेट एंजॉय करते देख रहे हैं। फोटो में अतहर ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में नजर आ रहे हैं। फोटो का बैकग्राउंड भी बेहद खूबसूरत है। झील और पहाड़ के पीछे ढलते सूरज का सीन देखने लायक है। अतहर आमिर खान के पोस्ट को 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। लोग कमेंट कर उनके लुक्स की तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, स्मार्ट लुक के मामले में आपको कोई बॉलीवुड सितारा भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आप इंडिया के सबसे हैंडसम ऑफिसर हो सर। दिल की इमोजी के साथ एक अन्य यूजर ने लिखा, मतलब स्मार्टनेस की भी कोई हद होती है। एक और यूजर ने लिखा, सर आप अद्भुत दिखते हैं, जल्द ही शादी कर लीजिए। अतहर आमिर खान की पहली शादी उन्हीं के बैच की यूपीएससी टॉपर टीना डाबी के साथ हुई थी। उस समय भी वो अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। दोनों की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। साल 2018 में अतहर और टीना शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन दो साल बाद ही साल 2020 में उन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। उन्होंने आपसी सहमति से कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसके बाद उसे स्वीकार कर लिया गया। अब टीना डाबी दूसरी शादी करने जा रही हैं। वो अपने से 13 साल बड़े आईएएस प्रदीप गवांडे से 20 अप्रैल 2022 को विवाह करने वाली हैं।